हेलो गाइस, वेल्कम टू माय चैनल सेल्फ मेड वॉयल व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं कर रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि मैं स्टार्ट ही मोटो व्लॉग से ही कर रहा हूँ। अभी मैं मम्मी के साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं आप भी चलिए। वैसे हम लोग जा रहे हैं मेन रोड, रांची का मेन रोड जा रहे हैं, आपको दिखाऊँगा कैसा। अभी फ़िलहाल तो पूरा क्लियर लग रहा है रोड, ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। और ये है कोकर चौक, यहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है, ट्रैफिक रहता ही है, यहाँ पर कभी खाली नहीं रहता ट्रैफिक। तो कोकर के बाद हम लोग जाएंगे लालपुर, लालपुर के बाद जाएंगे मेन रोड। भाई कहीं से भी मोड़ लेता है यार। और यहाँ पर है लालपुर, जहाँ अभी हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि रेड लाइट अभी हुआ नहीं है पूरा, इस वजह से रुके हुए हैं हम लोग यहाँ पर। अब उधर भी ट्रैफिक, इधर भी ट्रैफिक। भाई किस साइड का निकाल रहा है गाड़ी? हो गया, हम लोग का बारी आ गया। चलो 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 चलो। ओहो हो, सर जी सर जी सर जी, जाइए 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 जाइए, आप ही जाइए पहले। रुक जाइए अंकल, जैसे नहीं कि ट्रेन आती है, मुंबई की ट्रेन, ट्रेन आई एकदम धक्कम के, हम पहले जाएंगे हम पहले जाएंगे, वैसा कुछ हो जाता है यहाँ पर जब ट्रैफिक लाइट ऑन होती है, ग्रीन लाइट ऑन होती है। यहाँ थोड़ा देख के चलाना पड़ता है। चलो यहीं से निकलते हैं उधर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर, थोड़ा क्लियर रास्ता है, इस वजह से यहीं से जा रहे हैं। दोनों तरफ देखो फिर निकलो यहाँ से। या सबको गर्मी लग रही है एकदम, हड़बड़ी में रहता है सब। अभी तो टकराते टकराते बचा। यहाँ पर इस एरिया में बहुत अच्छा खासा कॉलेज है, कॉलेज स्कूल बड़ा बड़ा है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट देखने को ज़्यादा मिलेंगे। और जस्ट इसके आगे मेन रोड है, मतलब ये भी मेन रोड में आता ही है, लेकिन कहा जाए तो मेन मेन रोड वहाँ पर है थोड़ा आगे में, जहाँ पर अभी ट्रैफिक लाइट का दिख रहा है वही है। अब यहाँ पर रुकना पड़ेगा कम से कम 40 सेकेंड। यहाँ पर कोई सबका फिक्स नहीं है, सबका ट्रैफिक के हिसाब से दिया जाता है कि कितना टाइम यहाँ रुकना है, कितना देर में यहाँ से निकलना है। और ये रहे भगवान श्री राम मंदिर है ये हमारा, वैसे यहाँ आए नहीं हम लोग कभी, लेकिन आने का सोच रहे हैं। वैसे एंट्री तो बंद है अभी फ़िलहाल यहाँ पर, सीधे से इधर घुमाना पड़ेगा ना। हाँ घूम जाएगा। तो फिलहाल तो मैं रॉन्ग साइड में घुसा दिया आगे से, क्योंकि आगे से चौक है नहीं, यहीं से है रास्ता, तो अभी यहीं से हम लोग घुसेंगे। गाड़ी तो पार हो जाए, निकल जाएंगे। अरे भाई आराम से आराम से आराम से, हो जाएगा हो जाएगा। क्या तो पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है, एक दिख रहा है सामने निकल रहा है। तो पार्किंग के लिए मिल गई, अब चलते हैं जहां मम्मी को जाना है। भाई पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं मिल रही यार, मम्मी यहाँ पर है, यहीं जाना है हम लोगों को।
यहाँ चलो चल के देख लेते हैं। तो मम्मी अभी आई हुई हैं मॉल में और सूट ढूंढ रही हो ना, कुर्ती कुर्ती ढूंढ रही, कुर्ती यहाँ पर है। ये सब कुर्ती भी तो अच्छी है, ये सब डिजाइनर फैशनेबल एकदम, ये अच्छा है। अभी नहीं भेजूंगा उसको, अभी नहीं भेजूंगा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो पूरा ये लेडीज का है, आज मैं पूरा दिन इसी तरह से व्लॉग बना रहा हूँ, पूरा हेलमेट पहन के ही, सामने दिख रहा होगा। उस समय मैं कैमरा में देख रहा था। तो कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे को। यहाँ पर थोड़ा गाना चल रहा है यार, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी आए हुए हम लोग मॉल से निकल गए और अभी आए हैं यहाँ पर छोला भटूरा के लिए, छोला भटूरा और डोसा। बहन को डोसा बहुत पसंद है, मेरी छोटी वाली बहन को। तो यहाँ पर खाली स्ट्रीट फूड का ही है, स्टॉल लगा हुआ है हर तरह का, मोमो चाउमीन चिल्ली जो भी खाना आप मेन रोड में आगे खा सकते हैं। और काफ़ी सस्ता भी रहता है और अच्छा भी बनाता है यहाँ पर, जो भी पसंद आए वो आके आप यहाँ से खा सकते हैं। और अभी मैंने ऑर्डर किया है डोसा और छोला भटूरा, जो पैक होगा घर लेके जाएंगे अभी। ये है डोसा, वैसे मेरा नहीं है, उधर जा रहा है, देख ही सकते हैं, मेरा तो पैक होगा, घर जाके खाऊंगा। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल गए, सामान ले लिए, वैसे मॉल में गए थे लेकिन मॉल में कुछ मिला नहीं। और मेन रोड आया तो कुछ तो लेके जाना बनता है ना, तो इसीलिए हम लोग ले लिए डोसा और छोला भटूरा। क्योंकि मॉल आए मतलब मेन रोड आए और कुछ ना लें, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है हाँ, बोलो बोलो। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। क्या और खाना है? मैं खाऊंगी क्या? तो अभी डोसा और छोला भटूरा लाए, वो अभी यहाँ पर मैं डोसा खाऊंगी, परोसा जा रहा है खाने के लिए। तुझे खाया हुआ है बता। मैं छोला भटूरा खा लूंगा। हाँ, तो डोसा पूरा मेरा? नहीं, उसमें थोड़ा खाऊंगा मैं। अरे यार डोसा गरम अच्छा लगता है, अब जो है सो यही है। मुरा मुरा अच्छे लगते हैं। और लाना होगा क्या? कटोरी? हाँ तो ठीक है, छोला भटूरा छोला भटूरा उसी का दो चटनी रहता है तो अचार। अच्छा सही है, एक ही में दो दे दिया। पहले खा के देख लीजिए, अचार सलाद भी रख दिया। आप लोग भी कभी अगर रांची विजिट करते तो मेन रोड जरूर जाइएगा, वहाँ का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा रहता है। आके ट्राई कर सकते हैं, वैसे यहाँ खाने का भी है। वैसे अगर कमेंट में बोलिएगा तो मैं फूड व्लॉग भी आपके लिए बना सकता हूँ। कमेंट में बोलेंगे तो हम उनसे ऑर्डर लेके आप पार्सल कर देंगे। अच्छा। अगर आपको फूड व्लॉग भी चाहिए तो बोलिएगा, मैं फूड व्लॉग पे भी कोशिश करूंगा बनाने की। मैं सोच रही थी कुछ लाओगी कि नहीं। तो अभी खाना शुरू करते हैं, मम्मी ये इसमें बहुत ज्यादा भूख लगी है, मेरा सर भी दर्द करने लगा, इतना ट्रैफिक इतना रहता है ना, दिमाग खराब हो जाता है। अरे तो शांति से चला तो बस, कहीं लगेगा क्या? क्या बना रही है? किसका मुंह है तेरा? कितना अच्छा लग रहा है ना, दादी बनाई थी। एक दांत बना टूटा हुआ वाला, वो नहीं आता। पिकाचू की ड्राइंग, पिकाचू पिकाचू ही नाम है कि पिकाचू नाम है? पिकाचू। अरे जो फेमस पेंटर है पिकाचू, पिकाचू से है, पिकाचू का नाम है ना, पिकाचू कहेंगे हम पिकाचू को। देख पिकाचू ने बनाया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। नाप भी बना दो क्या? दो छेद बना दो नाप के, तेरी तरह लग रहा है ये देख।
बन गया पायलट दिखा दे लोगों को। दिख रहा है। और ये क्या है कब बगल में बच्चा क्या है क्या कान। हाँ उसमें इयररिंग है। तो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा थोड़ा आज सर दर्द कर रहा है, थोड़ा वीक फील कर रहा हूँ, थोड़ा कल ब्लॉग आने में भी शायद लेट हो सकता है। नहीं तू कर देना। मैं कर दूँ। ठीक। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साइन भी है। बाय। मिसाइल दिखा लोगों को क्या?